एवरीवन वेलकम बैक टू अजी कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.4 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को। तो चलिए जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 ने कहा अ लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट। क्वेश्चन ने कहा एक सीढ़ी है जिसकी जो रंग्स है मतलब जो डंडे हैं वो सब बच्चों 25 सेंटीमीटर के गैप है। देखिए 25 सेंटीमीटर का यह गैप है, इसके और इसके बीच में कितना गैप होगा तो बच्चों वो भी 25 सेंटीमीटर का ही गैप होगा। द रंग्स डिक्रीज यूनिफॉर्मली इन लेंथ फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। क्वेश्चन ने कहा 45 सेंटीमीटर बॉटम से टॉप में 25 सेंटीमीटर तक जाता है, मतलब पहले कितना है 45 सेंटीमीटर, फिर रंग्स की लेंथ कम होती है, फिर थोड़ी और कम होती है, ऐसे कम होते होते फाइनल जो रंग्स लगा है, फाइनल जिसमें डंडा लगा हुआ है उसकी लेंथ बच्चों 25 सेंटीमीटर है। अच्छा, इफ द टॉप एंड द बॉटम रंग्स आर टू होल 1/2 मीटर अपार्ट। क्वेश्चन ने कहा अगर टॉप वाला रंग्स मतलब डंडा और जो लास्ट वाला डंडा है मतलब सीढ़ियों में ये जो डंडे लगे हुए हैं इनके लिए उसने कहा कि अगर इन दोनों के बीच के जो टोटल डिस्टेंस है 2 होल 1/2 मीटर है। क्वेश्चन ने कहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द रंग्स। क्वेश्चन ने कहा रंग्स की जो लेंथ ये आई है कुछ कुछ भाई है जैसे 45 सेंटीमीटर का है, इससे थोड़ा सा छोटा यहाँ लगा होगा, इससे थोड़ा सा छोटा यहाँ लगा होगा। तो क्वेश्चन ने कहा जितने भी रंग्स यहाँ लगेंगे आप बताइए उन सभी की टोटल लेंथ कितनी है, क्या उन सभी की टोटल लेंथ कितनी है ये आपसे पूछा गया है। ठीक है बच्चों, अब टोटल लेंथ के लिए पहले देखिएगा SN के फॉर्मूले होते हैं, SN इक्वल्स एक फॉर्मूला होता है N/2 इन ब्रैकेट A+L, होता है कि नहीं होता। अब इसके लिए आप समझिए आपको A तो पता है, A मतलब जहां से रंग्स स्टार्ट हो रहे हैं कहां से 45 से, है ना। फिर आपको L की वैल्यू पता है मतलब लास्ट रंग कहाँ है, तो लास्ट रंग बच्चों ऊपर है 25 सेंटीमीटर पे। लेकिन आपको बच्चों एन नहीं पता, एन का मतलब क्या ये कितने रंग्स लगे हुए हैं, कितने डंडे लगे हुए हैं ये बात आपको नहीं पता। तो इस बात को पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा ना, उसके लिए हम आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे समझिएगा बच्चों, ठीक है यहां पर मान लीजिए हमने कुछ रंग्स लगा रखे हैं, ठीक इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है सुनते रहिएगा बच्चों, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने मान लिया ये है बच्चों 5 मीटर, मतलब ये इतना दे रखा है 5 मीटर, तो हो जाएगा 5, 5, 10, 5, 15। तो बच्चों टोटल की डिस्टेंस क्या हो गई 15 सेंटीमीटर, मतलब टॉप रंग और बॉटम रंग के बीच की डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर। अब अगर हम आपसे कहें कि बताइए बच्चों कितने रंग्स हैं, तो आप कहेंगे सर सिंपल सी बात गिन लीजिए 1, 2, 3, 4, आप कहेंगे सर 4 रंग्स हैं। अब हम आपसे पूछें मान लीजिए इसकी तरीके मिस कर देता तब आप कैसे निकालते, उस कॉन्सेप्ट को हम आपको समझा रहे हैं भाई। तो आप देखिए टोटल डिस्टेंस आपने देखी कितनी 15 और दो डंडों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 5। अगर आप 5 से 15 को डिवाइड करते बच्चों 3 आएगा ना, जबकि रियलिटी क्या है रंग्स हैं कितने 4। और अगर आप टोटल डिस्टेंस को 2 रंग्स के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड करो तो आपको 1 कम मिलता है ना। तो कहने का मतलब है ये है कि अगर आप टोटल रंग्स निकालना चाहते हो तो आपको टोटल डिस्टेंस को इस डिस्टेंस से डिवाइड करके 1 ऐड करना पड़ेगा, तभी इसके रंग्स कितने हैं ये बात पता चल पाएगी। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, लेकिन इस बात को समझने में बच्चों को थोड़ी सी मुश्किल होती है कि सर ये एन कैसे निकलेगा। वही बात मैंने बताई, देखिए बच्चों टोटल थे 4 रंग्स, है ना। टोटल डिस्टेंस को अगर 2 के डिस्टेंस से हम लोग डिवाइड करें बच्चों सेंटीमीटर है, ठीक है, अगर टोटल डिस्टेंस को 2 रंग्स के बीच के डिस्टेंस से डिवाइड करें तो 1 कम रंग काउंट होता है, इसलिए 1 हम लोगों ने एक्स्ट्रा में ऐड कर दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को इस मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, जरा देखिएगा। मतलब अगर हम लोग बात करें टोटल नंबर ऑफ रंग्स की, अगर लिखे बच्चों यहां पर टोटल नंबर ऑफ रंग्स की, तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रंग। ठीक है, फर्स्ट और लास्ट के बीच जो टोटल डिस्टेंस है अपॉन डिस्टेंस बिटवीन
डिस्टेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव, बच्चों पूरा नहीं लिखेंगे, शॉर्ट में लिखा कॉन्सिक्यूटिव रन्स, दो लगातार रन्स के बीच की जो डिस्टेंस है और प्लस वन, बात समझे कि नहीं, क्या टोटल डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट रन, फर्स्ट और लास्ट रन के बीच की जो टोटल डिस्टेंस है इसको डिवाइड कर दें दो कॉन्सिक्यूटिव रन्स के बीच के डिस्टेंस और प्लस वन कर दें। तो देखिए बच्चों टोटल डिस्टेंस कितनी है, टू होल वन अपॉन टू मीटर, ये बच्चों टू होल वन अपॉन टू मीटर, और दो कॉन्सिक्यूटिव रन्स के बीच डिस्टेंस कितनी है 25 सेंटीमीटर प्लस वन। अब देखिए बच्चों पहली बात तो मिक्स्ड फ्रैक्शन में इसको चेंज करिए, टू टू जो फोर वन फाइव, आ गया 5/2 इंटू, बच्चों नीचे की यूनिट है सेंटीमीटर में ऊपर है मीटर, 100 से करा दीजिए मल्टीप्लाई, अपॉन में हो जाएगा 25 प्लस का हो गया 1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे जरा तो क्या हो जाएगा बच्चों, 2 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 50, ऊपर बचेगा 5 × 50 अपॉन में 25 प्लस का हो गया 1, तो 2 टाइम्स डिवाइड करेंगे, 5 × 2 = 10 = 11, तो ये हो गया है 11, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों 11 रंग्स हो गए यहाँ पर। अच्छा अब आपको समझ में आ गया ना 11 रंग्स हो गए, बस क्वेश्चन फिनिश है। अब इसी को समझाने में बच्चों थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और हाँ एक प्रॉमिस आपसे नहीं कर सकते कि हमारी वीडियोस बहुत ज्यादा छोटी होंगी, जैसे कुछ वीडियोस कभी कभार छोटी भी आ जाती हैं, मगर जब हमें कॉन्सेप्ट समझाना होता है तो पूरा टाइम लेते हैं जो भी मैक्सिमम होगा, जिससे आप लोगों को क्लैरिटी रहे चीज सारी चीजों की। अगर आप शॉर्ट वीडियोस पढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको ये बात रटनी पड़ेगी कि रंग से निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ये फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ नहीं है, ठीक है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम लोग लिखें टोटल लेंथ ऑफ रंग्स, टोटल लेंथ ऑफ रंग्स, रंग्स की टोटल लेंथ निकालें, तो इसके लिए बच्चों पहले हमें कुछ डिटेल्स बतानी चाहिए थी, लिख देते हैं बच्चों। देखिए जो फर्स्ट रंग है उसकी लेंथ कितनी थी 45 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू हो गया बच्चों ए की। लास्ट रंग की लेंथ थी बच्चों 25 सेंटीमीटर, ठीक है। और नंबर ऑफ रंग्स हैं कितने बच्चों, तो नंबर ऑफ रंग्स लिए हुए यहाँ पर 60, ठीक। और टोटल लेंथ अगर निकालें तो फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल्स, ठीक है भाई, इसका फॉर्मूला हो जाएगा एस एन इक्वल्स एन अपॉन टू इन ब्रैकेट ए प्लस एल, तो ये आ गया भाई 16/2, सॉरी बच्चों 11/2 होगा क्योंकि 11 रंग्स हैं। ए की वैल्यू बच्चों 45, एल की वैल्यू 25, ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 11/2 × 70, डिवाइड कराएंगे 35, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33 और 5 = 38, इतना सेंटीमीटर इसका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इस तरीके से बच्चों ये वाला क्वेश्चन हो गया सॉल्व, बढ़ते हैं जल्दी से अगले क्वेश्चन पर। इस अगले क्वेश्चन को जरा समझिएगा, इसमें भी थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी क्वेश्चन को समझने में, ठीक है भाई। अच्छा जी क्वेश्चन ने कहा द हाउसेस ऑफ अ रो आर नंबर्ड कॉन्सिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49, कह रहा है बच्चों कोई एरिया होगा वहां पे जो हाउस नंबर्स हैं, घरों के जो नंबर दिए गए हैं वो कहां से कहां तक, 1 से लेके 49 तक के हाउसेस हैं, मतलब 49 हाउसेस हैं और हाउस नंबर दिए गए, हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, ऐसे 49 तक। शो दैट देयर इज द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट, यहां समझिएगा, there is the value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house numbered x equal to the sum of the numbers of the houses following it. अब ये ऐसा स्टेटमेंट दे दिया है इसने कि ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर समझ में नहीं आई पूरी बात क्या आया आखिरकार, तो चलिए हम आपको समझाते हैं। ये हो जाएगा बच्चों 1 2 3 4 ऐसे चलता रहा होगा, ये यहां पर एक हमने बना दिया बॉक्स और फिर ये ऐसे चलता रहा होगा, ये आया होगा 48 और ये हो जाएगा 49 हाउस नंबर, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की एक ऐसी वैल्यू है, ये हो गया यहां पर एक्स, बीच में कोई हाउस नंबर है एक्स, तो कह रहा है एक्स कोई ऐसा एग्जिस्ट करता है या एक्स की कुछ ऐसी वैल्यू फाइंड की जा सकती है, कैसी,
दैट द सम ऑफ द नंबर्स, उन नंबर्स का सम, किन नंबर्स का सम, ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउस नंबर्ड एक्स, नंबर्ड एक्स मतलब एक्स नंबर वाला जो घर है, इसके पहले जितने भी घर आए हैं उन सभी का जो सम है। बात को समझना, जैसे मान लीजिए एक्स नंबर का कोई घर होगा, मान लीजिए 39 हो गया, ठीक, तो 39 नंबर का जो घर है उसके पहले के जो हाउस नंबर हैं उन सब का जो सम है इज इक्वल टू, वो इक्वल है किसके इक्वल है, सम ऑफ द नंबर्स, उन नंबर्स के सम के, ऑफ द हाउसेस फॉलोइंग इट, फॉलोइंग इट मतलब इसके बाद के, इसके बाद के जितने भी हाउस नंबर हैं उन सब के सम के इक्वल है। कहने का मतलब है एक सोसाइटी है जिसमें 49 हाउसेस हैं, उन सभी हाउसेस में नंबरिंग करी गई है 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके 49 तक का, ठीक है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि इन्हीं 1 to 49 के बीच में कोई एक घर एक्स नंबर का ऐसा है जिसके पहले की घरों की संख्या का जो सम है इसके बाद के हाउसेस के नंबर के सम के इक्वल है, मतलब इसका कोई रोल नहीं है, इसके पहले के जितने नंबर्स हैं, इसके बाद के जितने नंबर्स हैं, इन दोनों का सम इक्वल है, ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा है। तो बच्चों अब इसी बात को हम लोग भी बढ़ाते हैं आगे, है ना, और देखते हैं आखिरकार ये क्या कहना चाहता है। तो चलिए भाई और आगे कहानी, ये है एक्स नंबर का घर, अगर बच्चों यहां 1 से लेके जैसे हम आपसे कह दें 1, 2, 3, 4, 5 अगर 5 नंबर्स को ऐड करेंगे तो बोलिए S5 कहेंगे कि नहीं कहेंगे, अगर इसके आगे 6, 7 घर नंबर्स को ऐड करते तो S7 कहते कि नहीं कहते, उसी हिसाब से अगर बच्चों हम लोग यहां पर इसके लिए कह दें, उसी हिसाब से अगर यहां तक के सारे नंबर्स का सम कहें तो इसको बच्चों हम लोग SX कहेंगे। देखिए बच्चों मिसलेनियस एक्सरसाइज जो ऑप्शनल होती है ये ज्यादातर टीचर्स कहते हैं कि नहीं इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बच्चों हम आपको बता दें कि जितना मैक्सिमम कॉन्सेप्ट आप इस एक्सरसाइज में सीख सकते हो उतना शायद ही कहीं आप सीखो, इसलिए इन क्वेश्चंस पर आप लोग टाइम देना भी शुरू करिए कि नहीं ये क्वेश्चंस आए कुछ बेहतर सिखा के जाएंगे इसीलिए इनको हम ध्यान से समझेंगे। तो बच्चों अगर यहां तक के नंबर्स का सम SX है तो इसके जस्ट पहले जो होगा वो इससे 1 कम होगा ना, तो इसको क्या हम लोग SX-1 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते, आप कहेंगे यस सर, भाई जब 5 नंबर्स होते हैं तो S5, 7 नंबर्स में S7, तो X नंबर्स में SX, इसके जस्ट पहले देखेंगे तो इससे 1 कम होगा ना SX-1, तो आप कह सकते हैं ये जो है SX-1 ये इक्वल है किसके, ये जो बाद वाले सारे घर हैं इसके सम के इक्वल है, ये बात कह रहा है वो, ठीक है भाई। तो चलिए जरा इसको और समझने का प्रयास करते हैं, अब कुछ चीजें बच्चों थोड़ी देर के लिए हटाना चाहेंगे, ये इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें क्या चाहिए, इसके बाद के घरों का नंबर चाहिए, तो आप समझिएगा अगर आप इन सबको ऐड कर दो, अगर आप यहां से लेके यहां तक सब ऐड कर दो और उसके बाद में इसमें से इतना बाहर कर दो, इतना सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बताओ बच्चों बाद वाला ही बचेगा कि नहीं बचेगा। हम फिर से कह दे रहे हैं बच्चों हमारे क्लासेस में आप ये उम्मीद मत करिएगा हम जल्दी से यहाँ फॉर्मूला बताएं बस हो गया, बिना कॉन्सेप्ट सिखाए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, वीडियो की लेंथ कितनी भी हो जाए, ठीक है, इसलिए आप लोग भी इसको ध्यान से मन लगाकर पढ़िए और कुछ दिन बाद आपको एहसास होगा कि रियलिटी में जो आप लोग चीजें सीख रहे हैं यहाँ पे बेहतरीन है वो, ठीक है। अगर आपको इसके बाद के नंबर्स का सम निकालना है तो आप क्या करें, स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक के सारे नंबर्स ऐड कर दो, उसमें से इसके पहले के सारे नंबर्स सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये आएगा कि नहीं आएगा। तो अगर इस बात को हम लिखना चाहें तो 1 से लेके 49 तक के नंबर्स के सम को बच्चों हम लोग S49 कहेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे किसको, X तक के नंबर को, क्योंकि बच्चों हमें इसके बाद का चाहिए ना, तो यहां तक सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो SX होगा। और यकीन मानिए बच्चों अगर आप लोग कुछ दिन टिक जाते हो क्लास में, ठीक है, तो आप लोग बाकी स्टूडेंट्स से अपने लेवल को बढ़ा जरूर लेंगे, क्योंकि आपको डायरेक्ट बता दिया जाता है बेटा SX इक्वल्स S49 - SX, लेकिन हम आपको समझाने की कोशिश सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अगर अभी आपका दिमाग उतना शार्प नहीं हो पा रहा तो फिर बाद में बड़ी समस्या आएगी, ठीक है। तो ये कहानी बन गई बच्चों, अब अगर हमें यहाँ इसको ओपन करना है तो कुछ वैल्यूज हमको यहाँ पर पता होनी चाहिए, जैसे देखिएगा
ए की वैल्यू क्या है, वन है ना। बी की वैल्यू की बात करें तो टू माइनस वन, तो टू माइनस वन से आ जाएगा वन, ठीक। एंड अगर आप सोचे नंबर ऑफ टर्म्स कितने, तो ये तो बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स हैं, इसमें एक्स माइनस वन टर्म्स है, इसमें 49 टर्म्स है, इसमें एक्स टर्म्स हैं, ठीक। चलिए कैलकुलेशन को सुपर फास्ट तरीके से देखते हैं। पहला फॉर्मूला होता है बच्चों एन बाय टू, एन बाय टू लिखेंगे तो हो जाएगा एक्स माइनस वन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए, तो हो जाएगा टू इंटू ए की जगह पर वन प्लस एन माइनस वन, एन की जगह बच्चों आपको लिखना होगा एक्स माइनस वन। ये तो हो गई एन की वैल्यू, और फॉर्मूले में होता है टू ए प्लस एन माइनस वन, इससे कंफ्यूज मत होना, ये पूरी वैल्यू एन की है, एन माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू बच्चों दे रखी है यहां पर वन, इक्वल्स बच्चों 49 आएगा, एस 49, तो हो जाएगा एन बाई टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन, एन की जगह हो जाएगा 49 माइनस वन इंटू डी की जगह पर आ जाएगा वन, ठीक है। एन बाय टू इन ब्रैकेट टू ए प्लस एन माइनस वन मतलब 49 माइनस वन इंटू डी, अभी एस एक्स बचा है बच्चों, तो ये हो जाएगा एन बाय टू इन ब्रैकेट टू ए, टू ए का मतलब टू इंटू वन प्लस एन माइनस वन, एन की जगह पे है बच्चों एक्स, तो हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू हो जाएगी वन, ये आ जाएगा बच्चों एक्स माइनस वन बाई टू इन ब्रैकेट टू वन जर टू प्लस वन का मल्टीप्लाई से करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा बच्चों एक्स माइनस वन हो जाएगा माइनस का टू, इक्वल्स आ जाएगा बच्चों 49 बाई टू ब्रैकेट में हो जाएगा टू प्लस 49 से वन जाएगा 48, तो ये हो गया बच्चों 48 माइनस हो जाएगा एक्स बाई टू इन ब्रैकेट, ये बच्चों हो जाएगा टू वन जा टू, और देखिएगा प्लस वन का मल्टीप्लाई से कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा बच्चों एक्स माइनस वन, ठीक है। चलिए अब अगला स्टेप देखेंगे अगले पेज पर, तो यहाँ बच्चों माइनस टू से प्लस टू हो जाएगा खत्म, तो यह आएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स बाई टू, तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वन इंटू एक्स बाई टू इक्वल्स, यहां देखिएगा बच्चों 48 और 250 हो जाएगा, तो आ जाएगा 49 बाई टू इंटू 50 माइनस, इसके बाद देखिए बच्चों ये दिया हुआ है अपने पास एक्स बाई टू, ये है अपने पास में एक्स बाई टू, और ब्रैकेट में यहां बचेगा बच्चों टू माइनस वन से प्लस वन आएगा, तो वन प्लस एक्स, ये हो जाएगा क्या हो जाएगा वन प्लस एक्स, ठीक है भाई। इनका मल्टीप्लाई करा दीजिए तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अपॉन टू, बच्चों माइनस वाले को इधर ले आइए प्लस में मल्टीप्लाई कराइए, तो एक्स वन जा एक्स, और ये हो जाएगा एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर अपॉन टू, टू से बच्चों डिवाइड कर दीजिए तो आ जाएगा 25, 25 नाइन जा 225 कैरी ऑन टू, 25 फोर जा 100 100 और 22 122 1225, ठीक बच्चों देखते हुए चलिएगा आगे। इन दोनों बच्चों एलसीएम लेने की जरूरत है नहीं, सेम है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स में आ जाएगा बच्चों 1225 माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल्स 1225, 2 से 2 कैंसिल, x की वैल्यू निकालेंगे बच्चों इधर बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1225, और ये बच्चों 35 का स्क्वायर होता है, ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई 35। अब स्टूडेंट्स मैंने अपने जानकारी में आपको हर एक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करी इस क्वेश्चन में, इसके पहले वाले क्वेश्चन में, आपको कितना समझ में आया है ये दो बातों पर डिपेंड करता है कि आपका कॉन्सेंट्रेशन कैसा है स्टडी करते टाइम, और आपने स्टार्टिंग से इस चैप्टर को बेहतरीन लेवल पे अच्छे से समझा या नहीं। जैसा भी हो आप अपने फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आपके वैल्यूएबल कमेंट्स को हम आंसर करने की कोशिश भी करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम लोग रखेंगे इतना ही, मिलेंगे आप सभी लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद एवरीवन एंड बाय बाय एवरीवन।